नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल टीम गुरु में। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में डिस्कस करने वाला प्रो कबड्डी का जो आज सेकंड मैच होगा बेंगलुरु बुल्स वर्सेस पुणे पल्टन के बीच में, इसकी ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम, साथ में ग्रैंड लीग के लिए टिप्स ट्रिक्स और कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कौन से प्लेयर आप लोग के लिए अच्छे हो सकते हैं, और साथ में प्लेइंग सेवन में इंक्लूड होने वाले सारे प्लेयर के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए स्पेशल से एक टीम बनाई है जो कि स्मॉल लीग के लिए बनाई है, लेकिन आप लोग इस टीम को ग्रैंड लीग में भी लगा सकते हो, बस आप लोग कुछ चेंज जरूर करिएगा। तो मैं राइडिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीन राइडर लिए हैं, नितिन तोमर जो कि मेन राइडर है पुणेरी पल्टन की तरफ से, देख सकते हो कंटिन्यू इनका परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक जितने भी मैच खेले फ्रेंड्स। बस लास्ट सेकंड मैच में ये कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन बाकी के मैच आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए कर चुके हैं। तो दूसरे जो मेरे राइडर है फ्रेंड्स वो है कौसलिंग अदा के, ये भी दो मैचों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए दिखा चुके हैं, देख सकते हो आप लोग 36-52 काफ़ी अच्छे पॉइंट इन्होंने दिए। और फ्रेंड्स बेंगलुरु की तरफ से मैंने तीसरे जो राइडर लिए हैं पवन कुमार सेहरावत, तो फ्रेंड्स सेहरावत यहाँ पे सबसे अच्छी फॉर्म में बेंगलुरु की तरफ से चल रहे हैं, देख सकते हो दोनों मैचों में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हो आप अपनी टीम के लिए दे चुके हैं, 85-64 पॉइंट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक हो जाते हैं। बाकी इनके अलावा जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए, यहाँ पे रोहित कुमार काफ़ी अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड्स, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं तो टीम इन्हें ड्रॉप भी कर सकती है फ्रेंड्स, इनकी जगह पर किसी और को भी चांस दिया जा सकता है, लेकिन ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। आप लोगों ने इनका पिछला सीजन देखा होगा फ्रेंड्स कि काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है, अगर ये सुपर 10 भी कर सकते हैं फ्रेंड्स तो आपको एक तरफा ये ग्रैंड लीग भी विन करा सकते हैं। अगर आप लोग इन्हें लेते हो तो यहाँ पे सिर्फ 12% लोगों ने इन्हें लिया है, तो आप लोग एक तरफा ग्रैंड लीग विन कर लोगे अगर ये चलते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग ले सकते हो इन पे रिस्क। बाकी इनके अलावा यहाँ पे फ्रेंड्स जीबी मोरे आपके पास अल्टरनेट चॉइस हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए देख सकते हो शुरू के जो मैचों में इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था फ्रेंड्स, तो सिर्फ 4% लोगों ने इन्हें लिया है। अगर ये कुछ अच्छा करते तो आप लोग ये भी आपको एक तरफा ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। बाकी राजेश मंडल यहाँ पे काफ़ी 2-3 मैचों से खेल नहीं रहे फ्रेंड्स, और यहाँ पे दीपक कुमार दहिया भी आपके लिए पिछले मैच में नहीं खेले थे ये भी, तो ये भी फ्रेंड्स आपके लिए थोड़ा बहुत रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स इन्हें। बाकी यहाँ पे अक्षय यादव आपके पास अल्टरनेट चॉइस हो सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ 8% लोगों ने लिया है और देख सकते हो ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये भी दे देते हैं, तो अगर ये चलते हैं तो आप फिर से एक बार ग्रैंड लीग ये भी आपको जिता सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में देख सकते हो यहाँ पे मैंने जसमेर सिंह को लिया है, आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट चॉइस है फ्रेंड्स, यहाँ पे मोनू के साथ आप जा सकते हो, और यहाँ पे संदीप नरवाल को पिछले मैच में नहीं खिलाया गया था फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि इस मैच में भी इन्हें ड्रॉप किया जाए, तो आप इन्हें किसी ग्रैंड लीग की टीम में ज़रूर पिक करिएगा अगर ये चलते हैं तो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। तो संदीप नरवाल यहाँ के लिए आपके ग्रैंड लीग के लिए एक अल्टरनेट चॉइस हो जाती है फ्रेंड्स। अब चलते हैं डिफेंस में, तो आपके पास इस मैच में फ्रेंड्स क्रेडिट का कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है, तो आप अच्छे अच्छे प्लेयर इस टीम में ले सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने जो पहले डिफेंडर लिया फ्रेंड्स वो है पुणेरी पल्टन की तरफ से ग्रीस मूर्ति एंडक, जो कि कैप्टनशिप करेंगे और काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में अभी चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो इनका स्टेटस, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए कैप्टन है, तो कैप्टन ही पारी ये खेल रहे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स डिफेंडर है वो बेंगलुरु की तरफ से आशीष कुमार, तो बेंगलुरु की जो डिफेंस है ये काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो आशीष कुमार का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक दो मैचों में। अब तीसरे जो मैंने यहाँ पे डिफेंडर लिया फ्रेंड्स वो है महेंद्र सिंह, तो ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। इनके अलावा जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे रवि कुमार के साथ जा सकते हो, ये आपके लिए एक डिफरेंट चॉइस होगी, और आप यहाँ पे रिंकू नरवाल को भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बाकी यहाँ पे जवाहर विवेक भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट में आते हैं तो आप इन्हें भी ले सकते हो, और यहाँ पे फ्रेंड्स सचिन शुभम सिंगड़े भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, तो इनको लेने का फ्रेंड्स इस मैच में कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट पूरे हैं, ये प्लेयर तब के लिए जब हमें क्रेडिट का प्रॉब्लम आ रहा हो तब के लिए ये अच्छे हैं। अब चलते फ्रेंड्स कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ, तो कैप्टन मैंने यहाँ पे बेंगलुरु की टीम ज़्यादा मजबूत है, तो मैंने बेंगलुरु की तरफ से पवन कुमार सेहरावत को यहाँ पे कैप्टन लिया फ्रेंड्स, और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर नितिन तोमर को लिया फ्रेंड्स। तो आपके पास ये तीनों अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड्स कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि नितिन तोमर को कैप्टन, कौसलिंग अदाके को वाइस कैप्टन, तो तीनों फ्रेंड्स आपके लिए, तीनों को आप एज ए कैप्टन भी यूज़ कर सकते हो एज ए वाइस कैप्टन भी यूज़ कर सकते हो। तो बात करूँ मैं ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में आपके लिए ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस भी काफ़ी मजबूत है, तो आप डिफेंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन भी ले सकते हो, जैसे यहाँ से ग्रीस मूर्ति एंडक को आपने पुणेरी पल्टन की तरफ से कैप्टन, और यहाँ से आशीष कुमार को आपने वाइस कैप्टन बेंगलुरु की तरफ से, तो महेंद्र सिंह भी आपके लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस प्लेयर होंगे फ्रेंड्स, इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप लोग जा सकते हो, ये भी आपके लिए एक ग्रैंड लीग के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स अब चलते हैं टीम के प्रीव्यू की तरफ। तो देख सकते हो आप लोग मेरी आज की टीम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को ये टीम पसंद आई हो, इससे आपको ग्रैंड लीग के बारे में भी पता चला होगा कि फ्रेंड्स आप ग्रैंड लीग में किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये टीम थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप लोग को पसंद नहीं आई तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कबड्डी में काफ़ी अच्छा विन कर पाए और अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक। तो जाने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक वो पहुँचे सबसे पहले और आप लोग सबसे पहले फ़ायदा उठा पाओ। तो बाय फ्रेंड्स एंड गुड लक आप सभी लोगों के लिए।